वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल क्राइम। प्रोफेशनल क्राइम के इस वीडियो में मैं एक्सेल से रिलेटेड जो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें पिछले वाले वीडियो में मैंने इस सारे फंक्शन टैब के अंदर ये जितने भी फंक्शन आते हैं इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और इसका वीडियो मैं बना करके अपलोड भी कर चुका हूँ। आप उसे देख करके इस सारे फंक्शन के बारे में जानकारी वन बाई वन करके ले सकते हैं वहाँ से। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक जितना भी है वो मैंने आई बटन में दे दिए हैं, आप वहां से क्लिक करके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज का भी जो वीडियो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जितना भी है यहां से ऊपर से नीचे तक इसका किस तरह से फंक्शन आएगा, क्या रूल है क्या नहीं है, ये कैसे काम करेंगे, इससे रिलेटेड वन बाई वन करके सारे टॉपिक को मैं आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है एग्जाम रिपोर्ट करके। यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, इस सब नंबरिंग मैंने कर लिया है एज ए डेमो। अब मैं चाहता हूँ इसमें ये जो मैंने एक बना रखा है सिंबल, अगर 16 ग्रेटर देन 60 से ऊपर जो भी नंबर होगा उसका ये बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाए और फ्रंट कलर इस कलर का हो जाए। इस तरह अगर 60 से नीचे हो तो इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो जाए। अगर 40 और 60 के बीच में कोई नंबर है तो इसका बैकग्राउंड इस तरह से हो जाए। अगर 50 या 60 के इक्वल या जो भी नंबर है उसके इक्वल में कोई भी नंबर आएगा तो उसका बैकग्राउंड इस तरह का हो जाए। अगर मान लीजिए कोई 50 नंबर है और टोटल जितना भी 50 नंबर इसमें हो सबका बैकग्राउंड इस कलर का हो जाए। नेम है, नेम में अगर मैं किसी एक नाम को किसी भी नाम से सर्च करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो जाए। तो ये सब सारे फंक्शन मैं आज इसी में यूज करने वाला हूँ कि ये सारे आखिर इस तरह से होंगे वन बाई वन करके सारे स्टेप। और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि लास्ट वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, न्यूरल्स किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और ये सारे नंबर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट करूँगा टोटल को छोड़ करके, इसके अंदर जितना भी सब्जेक्ट वाइज नंबर है उसको मैं सेलेक्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल क्या हुआ है, इसका भी फंक्शन मैं आगे आपको बताऊँगा। इतना दूर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहला फंक्शन मैं यहाँ पर देख लीजिए कि दिया हुआ है कि ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन में मैंने क्या कर रखा है कि मेरा ग्रेटर देन में अगर 60 से ऊपर कोई नंबर होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए और फॉन्ट कलर जो है जो 60 लिख रखा है फॉन्ट कलर उसका कलर इस ग्रेटे कलर का हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले। अब मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी इसने वो कलर ले लिया है जो इसके पास ऑटोमेटिक पहले से सेलेक्टेड है। ओके, अगर ये दीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं अपना कलर दूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 60 से ऊपर वाला नंबर अगर मैं चूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 60 मैंने पहले लिख दिया इस पर। और यहाँ से आ जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, और कस्टम फॉर्मेट पे आने के बाद मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि फिल करना है, फिल कलर यानी कि बैक कलर ग्रीन हो जाए। ओके, फॉन्ट कलर क्या है, फॉन्ट कलर इसका ये है तो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे थोड़ा बोल्ड, ऑलरेडी पहले से बोल्ड है तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको करना है इसमें से जो भी डिजाइन वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर इटैलिक बोल्ड जो भी देना है कि ताकि ये अगर ये फंक्शन 60 से ऊपर हो तो इसका सब कुछ फॉन्ट भी चेंज हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए। इसके लिए मुझे ये सारे फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं। अब लास्ट में जा करके इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि इसने जो भी 60 से ऊपर का है उसका बैकग्राउंड कलर और फ्रंट कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ से आप इसे ओके कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ये देखिए ये टू जैसे टू से मैच कर रहा है। तो इस फंक्शन का आपने यूज समझ लिया कि ग्रेटर देन का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी नंबर से ऊपर का नंबर जो होगा उसका अगर आप बैकग्राउंड कलर एक्सेल में चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल अच्छा रखना चाहते हैं तो आप ये वाला फंक्शन अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। किसी किसी ऊपर रखना है, फिफ्टी से ऊपर रखना है, 80 से ऊपर रखना है, इस हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देखते हैं। और इस सारे फंक्शन को यूज करने से पहले आपका जितना जो एरिया में आपको फंक्शन का यूज करना है उस एरिया को आप जरूर सेलेक्ट पहले कर लीजिए। ओके, उसके बाद ही इस फंक्शन का यूज कीजिए, नहीं तो जहाँ पर ये रहेगा ये वाला वो वहीं पे ये फंक्शन यूज होगा, ना कि इस वाले सीट पे। इसीलिए आपको पहले ये
जिस सीट पे करना है आप जहाँ भी करना है उस एरिया को आप पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ही इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें। अब लेस देन में आ जाते हैं। लेस देन में क्या फंक्शन है, 60 से नीचे वाला हर जो होगा नंबर उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, फ्रंट कलर इस तरह का आ जाए। तो मैं यहाँ पहले 60 टाइप कर देता हूँ। अब मैं फिर से जाऊँगा कहाँ पे, कस्टम पे, सेम टू सेम यही सब कुछ अप्लाई करेंगे। जो ग्रेटर देन में अप्लाई किया था वही लेस देन में भी अप्लाई करेंगे। वाला क्या है, इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड मुझे इस कलर का देना है। ओके, अब फ्रंट कलर जो है वो चेंज करना है, तो फ्रंट कलर यहाँ है, आप देख सकते हैं कलर फ्रंट फ्रंट में है, फ्रंट का कलर चेंज करना है। इसके लिए मुझे क्या देना है, जो भी यहाँ पे है वो वाला मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। और यहाँ भी आकर के मैंने ओके कर दिया और आप देख सकते हैं ये 60 और ये 60 का कोई भी कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि 60 से ऊपर वाला जो भी होगा उसका कलर चेंज होगा, 60 से नीचे वाला जो हो जाए उसका कलर चेंज हो, ना कि जो 60 है उसका कलर। इक्वल टू वाला का कोई भी फंक्शन मैंने नहीं दिया। अब जैसे ही ये दोनों में से अगर मैं इस सब को अप्लाई इसको अप्लाई करूँगा तो इस दोनों में से कोई एक फंक्शन यहाँ से हट जाएगी। कैसे हटेगी ये देखिए, क्योंकि मैं इस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा नीचे तक और फिर मैं आ जाता हूँ कंडीशनल नंबर बिटवीन तीसरे पर, लेस देन ग्रेटर देन आप समझ चुके हैं, और तीसरे पे आइए बिटवीन। बिटवीन क्या, बिटवीन ये है किसी भी नंबर से स्टार्टिंग और लास्टिंग के नंबर में के बीच में जो भी नंबर आए उसका बैकग्राउंड कलर और फ्रंट कलर चेंज हो जाए। मान के चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40 और यहाँ पे दे देता हूँ 65। तो मैं कह रहा हूँ कि 40 से लेकर 65 के बीच में जो भी नंबर आए, 40 से ले यानी कि 41 और 65 तक जो भी नंबर आए उसका बैकग्राउंड और फ्रंट कलर चेंज हो जाए। तो कैसे हो चेंज और क्या क्या हो, तो 40 और 60 के बीच का नंबर, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रंट कलर जो है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बैकग्राउंड कलर के लिए फिल करूँगा, कौन सा कलर, तो जो भी इसका कलर है वही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी आपको जो भी सही लगे वो नंबर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे लिख लीजिएगा ये कलर, ये इसका फॉन्ट इसके लिए है, इसका फॉन्ट इसके, ताकि आपको हम याद रहे। ओके कर दिया और यहाँ से भी मैंने इसे ओके कर दिया। अब आप देख लीजिए 40 और 60 के बीच में जो भी आता है सबका कलर चेंज हो चुका है। अब जैसे ये 45 है, अब मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ कहाँ 65 तक लिया है, और जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूँगा इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसका कलर ग्रीन क्यों हुआ, ये ब्लू क्यों नहीं हुआ, या दूसरा कलर क्यों नहीं, क्योंकि 66 जो है तो पहले से फंक्शन लग चुका है कि 66 ग्रेटर देन यानी 66 से ऊपर जो भी होगा उसका बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो जाए, इसीलिए इसने पहले जो फंक्शन लगे थे वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। दूसरा तीसरा नंबर समझ चुके हैं, आप चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर क्या है, मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने इस जितना भी नंबर है सबको सेलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे इक्वल देंगे। इक्वल में क्या देंगे कि अगर जो भी मैं नंबर दूँ उस नंबर के बराबर में जो भी यहाँ पे नंबर सेलेक्टेड है पहले से वो नंबर का बैकग्राउंड येलो हो जाए, फ्रंट कलर ऐसा हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ इसे कि 65 मैंने नंबर दे दिया। अब इसका कस्टम मैं कलर अपने हिसाब से करूँगा। अगर आपको ये वाला सब फंक्शन चाहिए तो ये भी कलर डिजाइन ले सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो कस्टम पे आ जाइए। इसका कलर जो है बैकग्राउंड कौन सा मैंने दे रखा है, तो ये दे रखा है और येलो दे रखा है बैकग्राउंड कलर, और फ्रंट कलर मैंने क्या दे रखा है यहाँ पर ये वाला दे रखा है। अब ऐसे आप ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। 65 इक्वल में जो जो भी नंबर है सबका कलर चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे 59 लिख देंगे तो ये देखिए ये कलर चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे यही फंक्शन उसका है। तो 3-4 समझ चुके हैं आप, पहला दूसरा तीसरा चेंज।
अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट फंक्शन यूज करने के लिए, तो इसमें तो मैंने कोई टेक्स्ट लिख नहीं रखा, ये तो सारे न्यूमेरिकल हैं, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट वाले नंबर में। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि भैया आप टेक्स्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे यूज करवा करके ये दिखाओ कि अजय नाम से या जिसमें ओ हो, जिसमें ओ हो तो सारे का कलर जो है मेरे हिसाब से कस्टम फॉर्मेट करके उसका फॉन्ट कलर जो है किस तरह का हो जाए, वाइट हो जाए। सबसे पहले तो आप इसे वाइट कर दीजिए और बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। अब ओके कर दीजिए, यानी कि ओ नंबर, ये देखिए एम में ओ है, एस में ओ है, आर में ओ है, इतने में जिस जिस में ओ लगा हुआ था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अगर एक ही नाम का चार पांच आदमी है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन यहाँ पर बताता हूँ, देखिए सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से चलते हैं वहाँ पर और फिर से आ जाते हैं टेक्स्ट। यहाँ आ गए, मैं कह रहा हूँ कि अजय नाम का जो भी आप यहाँ पे नाम हो, अजय से रिलेटेड जो भी नाम होगा उसका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे फिल हो जाए कैसा, ग्रीन और या ब्लैक हो जाए, और फॉन्ट कलर उसका जो है वो यहाँ पे वाइट हो जाए, और इसका जो अभी फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाए। तीनों की मैंने फंक्शन यहाँ पे लगा दिया और कर दिया, और यहाँ पे ओके कर दिया। आप देख लीजिए इसका अजय नाम से जो भी है एक ही है, एक ही प्यार। अगर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ये हुआ है, ये देखिए आपके चाहे स्मॉल में लिखें या कहीं यहाँ स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, कोई सा भी फॉन्ट यूज करिएगा, इसका बैकग्राउंड कलर सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर से यहाँ पर मान के चलिए और देख लीजिए, ये ए वाई टाइप कीजिए, ये देखिए इसका इटैलिक मैंने स्टाइल दिया था तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, फॉन्ट कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन जो है चौथे नंबर का यही है। लास्ट है डेट अकरेंस, और इसका भी मैं फंक्शन आपको इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, और इस फॉर्मेट पे मैं किस तरह से इसका और इस दोनों का यूज करूँगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको आप अभी से अभ्यास कीजिए ताकि ये एक बार अगर आपको याद हो जाएगा तो बार बार इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।